नमस्कार, मैं लोधी कृष्णा, राष्ट्रवादी। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के कन्नौज के तिरवा में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा को हटाया गया, उसके बाद समाज में एक मुहिम चली और एक जागरूकता का अभियान चला कि अपने जो शहीद जो महापुरुष हैं उनका अपमान नहीं सहेंगे, और लोधी समाज इकट्ठा होने लगा। लोधी समाज के जो नौजवान हैं उन्होंने सोशल मीडिया तथा कन्नौज और तिरवा के लोगों ने, जो नौजवान थे उन्होंने संघर्ष करना प्रारंभ किया। जैसे ही संघर्ष स्टार्ट हुआ उसके बाद में प्रशासन की चुप्पी टूटी और आप देखेंगे कि फिर से कन्नौज के तिरवा में फिर से जो आपका वीरांगना अवंती बाई लोधी की प्रतिमा को पुनः स्थापित किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है, जब प्रतिमा रखी गई थी तो वे कौन लोग थे जिन लोगों ने उस प्रतिमा को उठाने के लिए, वहाँ से हटाने के लिए प्रयास किया, और वो कौन लोग थे जिनकी मानसिकता हमारे महापुरुषों के प्रति ऐसी है, सवाल बनता है। लेकिन जिस प्रकार लोधी समाज में जो जागरूकता देखने को मिली वो बहुत ही शानदार थी, और इस प्रकार अगर लोधी समाज में जागरूकता बढ़ती चली जाती है और एकजुटता आती चली जाती है तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि जिस प्रकार चाहे राजनीति हो, चाहे आपका कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सभी में आपके लोधी समाज के लोग देखने को मिलेंगे। ये बहुत शानदार था। लेकिन सवाल यहाँ से आगे और बढ़ता है कि आने वाले समय में चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश या राजस्थान, जहाँ पर लोधी समाज बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और कम से कम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 30 से 40 सीटों पर लोधी बाहुल्य सीट हैं, तो उन सीटों पर कितने लोधियों को कौन कौन सी पार्टी कितना टिकट देती है ये भी आपको देखना होगा। यदि कम टिकटें देती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, तो आप सभी को फिर से इसी प्रकार मुहिम भी चलानी चाहिए कि हमारे लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़े। इलेक्शन सर पर हैं और यही समय होता है किसी भी पार्टी के समक्ष अपनी बातों को रखने में और रखने का, और वही समय है कि किस प्रकार किसी पार्टी को हम तोड़ सकते हैं, किसी पार्टी के आगे अपनी मांगों को रख सकते हैं। क्योंकि जब हमारा प्रतिनिधित्व होगा तो संसद में या फिर विधान मंडल में हम लोगों की आवाज़ उठने लगेगी। साथियों, ये बहुत ही शानदार एक अनुभव रहा, जिस प्रकार सोशल मीडिया पर एक मुहिम चली, और आप सभी जानते हैं कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी का 20 मार्च को बलिदान दिवस है। वही वीरांगना अवंतीबाई लोधी जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूका था और अपने प्राणों को हंसते हंसते नौछावर कर दिया था अपने देश की खातिर, तो वही वीरांगना अवंती बाई की प्रतिमा को हटाने वाले वे लोग कौन थे, किनकी ऐसी मानसिकता है, इस बात को भी हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही अपने समाज को एकजुटता की ओर आगे लेकर के जाना चाहिए, जिसमें चाहे हमारे नेता हों, चाहे पढ़े लिखे समाज से आने वाले लोग हों, क्योंकि जब तक हमारे पूरे समाज में एकजुटता नहीं होगी तब तक हम बड़े से बड़ा कार्य जो जिस प्रकार हमने किया है उस तरीके से हम नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ सामने आ रही है, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि कुछ नौजवान हैं जो लगातार संघर्ष करते हैं, लगातार आवाज़ उठाते हैं, उन्हीं नौजवानों को मेरा सलूट है, मैं उनको सलाम करता हूँ कि उन्हीं लोगों के प्रयास से इतना बड़े कार्य जो सफल हुआ कि 24 घंटे में या कुछ समय में और प्रतिमा को पुनः स्थापित करना पड़ा। लेकिन आपका जितना बड़ा समाज है वही समाज आने वाले समय में आपके राजनेताओं के रूप में, आपके आईएएस पीसीएस के रूप में, डॉक्टर इंजीनियर के रूप में, आपके सुप्रीम कोर्ट के वकील जज के रूप में भी आने वाले समय में देखने को मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हमारे समाज ने जो खेती किसानी की है और उसी में हमारा पूरा समाज लिप्त रहा है, लेकिन वहाँ से उठकर आगे बढ़कर शिक्षा का दामन थामने की आवश्यकता है, और जिस प्रकार शिक्षा से ही सारे रास्ते खुलेंगे और नए नए हमें नए नए युवाओं को तैयार करना है कि वो समाज में दहाड़ें, वो समाज में नेता बने, वो समाज में प्रत्येक पार्टी में जाएं। क्योंकि आप देखेंगे ना तो आज आपके जो बड़े नेता हैं ना तो आपको बीएसपी में देखने को मिलेंगे आपके लोधी समाज के, ना समाजवादी पार्टी में बहुत बड़े नेता हैं, और ना अगर बात करें भाजपा में तो कुछ हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बढ़ना चाहिए, यहाँ पर लोग आने चाहिए जिससे आपका एक धाक बने। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में प्रहलाद सिंह पटेल का, जो लोधी प्रहलाद सिंह पटेल हैं, उनका नाम चला था मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन वहाँ पर बना कोई और, क्योंकि वहाँ पर ये सवाल था, क्योंकि लोधी समाज उतना
प्रखरता से आवाज नहीं उठा पाया, जिस कारण आपको पता है कि वहां के मुख्यमंत्री कौन बने। तो यही एकजुटता हमें आगे लानी होगी और यही समाज में मैसेज देना होगा कि जो हमारे महापुरुष हैं, जिन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, सोचिए ऐसे महापुरुषों की प्रतिमा को भी हटाया जाता है। लेकिन सलूट करूंगा फिर से उन नौजवानों को जिन्होंने इस चीज का संघर्ष किया और आज आपकी प्रतिमा वहां पर दोबारा पुनः स्थापित हो चुकी है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जागरूक बनिए, सजग बनिए। जय